इसको अच्छे से फाइन पाउडर बना लेंगे। अब हमने इसमें ये शक्कर ली है, शक्कर आप अपने थोड़ा कम या ज़्यादा उस हिसाब से कर सकते हो। मैंने एक कटोरी शक्कर लिया था। ये देखिए जो हमने ओरियो बिस्कुट किया है इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमने ओरियो बिस्कुट जो था इसको निकाल लिया और इसको हम इसको भी तोड़ लेंगे और इसका जो ये क्रीम है इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से इसको निकाल के अलग रख देंगे दूसरे प्लेट में और इसको ये बिस्किट भी हम अच्छे से इसका भी फाइन पाउडर पाउडर बना लेंगे। ये देखिए ये हमने ओरियो बिस्कुट का बिस्किट जो है उसका पाउडर बना लिया है फाइन और ये जो मेरी लिया था उसका भी हमने फाइन पाउडर पाउडर बना के तैयार कर लिया है। इसको हमने बारीक मिक्सर में पीस के और फिर इसको अच्छे से सान लिए मतलब चाल लिया है जिससे कि इसमें कोई टुकड़ा ना रहे। अब ये हमने थोड़ा सा काजू लिया है और इसको हम इसमें डाल देंगे। ये जो हमारा ओरियो बिस्किट का पाउडर है इसी में इसको हम डाल देंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून घी डाल देंगे। ये देखिए और ये 2 टीस्पून के लगभग हम इसमें घी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें एकदम थोड़ा सा दूध डाल देंगे। दूध डाल के इसी तरह से इसको अच्छे से एकदम एक डो के रूप में इसको हम तैयार कर लेंगे। आप इसमें दूध डाल सकते हैं, अगर आपके पास दूध नहीं है खोआ है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। क्या है कि अगर मावा नहीं है तो आप दूध डाल के इसको इस तरह से बना लीजिए। थोड़ा सा और डाल दूंगी। ये देखिए हम जो क्रीम थी हमारी ओरियो बिस्किट से निकाले थे उसको भी हम इसी में मिक्स कर देंगे और इसको एकदम अच्छे से मिला के इसको एक डो के रूप में तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये ओरियो बिस्कुट का हमने डो बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम ये जो मेरी बिस्किट लिए हैं इसका भी हम एक डो बनाएंगे। ये थोड़ा ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा इसमें क्या है 3 टेबल स्पून घी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर दूध डालेंगे। ये देखिए ये हमने जो मेरी बिस्किट लिया था इसका भी हमने एक टाइट डो बना के तैयार कर लिया है। अब चलिए आगे देखिए हम क्या करते हैं। ये देखिए जो हमने मेरी बिस्किट का डो बना के तैयार कर लिया था इसको हम एक पन्नी लेंगे और इस पर इस तरह से इसको अच्छे से एक बेलन की सहायता से हम इसको बेलेंगे। ये देखिए इसके लिए वो जो सिल्वर पेपर होता है वो रहता है तो थोड़ा और अच्छा होता है, लेकिन हमारे पास वो नहीं था इसलिए हमने पन्नी से ही बनाया है, काम चला रहे हैं क्योंकि मार्केट भी यहाँ नहीं खुली है इसलिए कहाँ से लाएं, लाने में दिक्कत थी, कहीं आ रही पास में मिल नहीं रहा था इसलिए नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने जो है एक पन्नी की सहायता से इसको बना रहे हैं। ये देखिए हमने इसको एक बेलन की सहायता से अच्छे से बेल लिया है। अब ये जो हमने ओरियो वाला बिस्किट लिया था अब इसका हम एक अच्छे से लंबा सेक देंगे। हम इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे थैली में और इस तरह से इसको ये डो को हम इस तरह से लंबा बनाएंगे। देखिए हमने ये जो ओरियो बिस्कुट लिया था इसका हमने ये लंबा सा एक वो बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा मेरी बिस्किट का वो है इसको हम इसमें राउंड करेंगे। इसको हम इस तरह से राउंड करेंगे पन्नी की सहायता से इस तरह से।
ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से राउंड शेप दे दिया है और इस तरह से इसको क्या करेंगे, इस तरह से इसको बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया है और इसमें आप तो कोई मतलब रबड़ लगा के इसको इस तरह से एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए जिससे कि ये जो है अच्छे से सेट हो जाए, फिर उसके बाद हम इसको काटेंगे। ये देखिए हमने इसको एक घंटे तो नहीं, खाली 15 मिनट ही रखा था और ये अच्छे से सेट हो गया। अब हम इसको इस तरह से चाकू से काट देंगे। इस तरह से आप इसको काट लें। ये देखिए हमारा ओरियो और मेरी बिस्किट से इतनी अच्छी मिठाई बनके तैयार हो गई है और ना तो गैस जलाने का झंझट, ना तो खोए की ज़रूरत है, ना तो मिल्क पाउडर की। आप लोग भी इस बार रक्षाबंधन पे अपने भाइयों के लिए इस तरह से मिठाई बनाना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी मिठाई कैसी लगी। और सभी भाइयों को और मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। चलिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।